नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम बेदी है। आई एम अ पीडियाट्रिशियन एट बेदी हॉस्पिटल चंडीगढ़। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में काफी रैपिडली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में वायरल के केसेस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट है स्कूल्स की रीओपनिंग से। पिछले वन वीक में चंडीगढ़ ने बहुत ज्यादा तादाद में केसेस देखे हैं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरल है जिसका अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग होती है, ये टाइम से ठीक हो जाती है, बट ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैलती है। ये जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स अगर हम ट्राई सिटी की बात करें तो उनमें अब केसेस आने लग गए हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हैंड अपने हाथों में, फुट पैरों में और मुंह में और थोड़े बम्स में अल्सर्स, दाने, स्पेशली पानी वाले दाने आने शुरू हो जाते हैं। इसमें फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं रहता, 2 से 3 दिन फीवर रहता है और ये फैलता बहुत जल्दी से है। इतना रैपिड स्प्रेड हुआ है कि हम कह सकते हैं कि काफी स्कूल्स के बच्चे देखे जा रहे हैं जो इस बीमारी के लपेट में आ चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स भी इंडिया में 4 केसेस डायग्नोज हो चुके हैं। फॉर्चुनेटली अभी चंडीगढ़ में कोई केस मंकी पॉक्स का डायग्नोज नहीं हुआ है, तो पेरेंट्स में एक बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है कि क्या ये नॉर्मल रैश है, क्या ये हैंड फुट एंड माउथ है और क्या ये एक मंकी पॉक्स का रैश है। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो मंकी पॉक्स का रैश होता है ये यूजली किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो जाता है, बट हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का जो रैश है वो ज्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है। इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अलग होती है। जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, जैसे हमने बताया, वो हाथ में, मुंह में और पैरों में ज्यादा होता है, और मंकी पॉक्स जो है वो यूजली सिर से शुरू होता है और फिर बाकी बॉडी में फैलता है। उसमें पेट पे भी रैशेज आएंगे, पीठ पे भी रैशेज आएंगे, और हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में पेट और पीठ पे रैशेज नहीं आते। जो मंकी पॉक्स का फीवर है वो यूजली ज्यादा लंबा चलता है, 4-5 दिन का फीवर चलता है और इसकी रैश भी एक लंबे टाइम के लिए चलती है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक ये रैश रह सकती है। जहां कि अगर हम हैंड फुट माउथ डिजीज की बात करें तो उसकी रैश जो डिजीज में पेट और पीठ पे रैशेज नहीं आते। जो मंकी पॉक्स का फीवर है वो यूजली ज्यादा लंबा चलता है, 4-5 दिन का फीवर चलता है और इसकी रैश भी एक लंबे टाइम के लिए चलती है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक ये रैश रह सकती है। जहां कि अगर हम हैंड फुट माउथ डिजीज की बात करें तो उसकी रैश जो है वो सिर्फ 3 से 5 या मैक्सिमम 7 डेज के लिए रहती है और इसमें बच्चे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मैं ये सब पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी बच्चे को रैश आता है, फीवर आता है, प्लीज डू नॉट सेंड देम टू स्कूल और एनी प्लेग्राउंड। सेकेंडली, अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इसका स्प्रेड बहुत ही फास्ट हो रहा है और हमें एक्शन लेना जरूरी है, वरना सारे बच्चे चंडीगढ़ के इस चीज से अफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। मियां मुराद अली जी, खुदा दे कर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने मिया मोहम्मद अली जी बारे दसिया, उन्हां ने साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता। हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786 97797 24075।